गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संज्ञा, उसके भेदों के बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या है? नाम से स्पष्ट है, सर्व प्लस नाम, यानी सबका नाम। सबका नाम पिछली क्लास में संज्ञा में पढ़ा था, नाम ही संज्ञा है। और अब सबका नाम क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। परिभाषा की बात करते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा यानी नाम के स्थान पर काम आते हैं कहलाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्वनाम कितने भेद होते हैं? छह भेद। कौन कौन से होते हैं? भेदवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, वर्षवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये होते हैं छह भेद। कौन कौन से होते हैं? निज वाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। अब आप एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करवा रहा हूं, आपको उसके माध्यम से छह के छह भेद सर्व कर देंगे, याद हो जाएंगे। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक किसको याद करने की? इन भेदों को याद करने की। क्या ट्रिक है? इन भेदों को याद करने की ट्रिक क्या है? भेदों को याद करने की ट्रिक है, वो क्या है? निज पुरुष प्रश्न के संबंध में निश्चय अनिश्चय, निश्चय अनिश्चय की स्थिति में फंस गया। एक निज पुरुष प्रश्न के संबंध में निश्चय निश्चित में फंस गया। क्या है ट्रिक? है सर्वनाम के भेदों को याद करने का। देखिए आप निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहां तक आप नोट कीजिए। इसके बाद हम भेदों के बारे में बात करते हैं कि कौन सा भेद क्या कहलाता है, उसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे निजवाचक सर्वनाम। देखिए नाम से स्पष्ट है निज। निज माने क्या होता है? मेरा, अपना, स्वयं का, खुद का, ये सब क्या होते हैं? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम पहला है। ये देखो क्या लिखा है, निज। निज माने क्या होता है? मेरा, अपना, स्वयं का, खुद का, अपने आप, ये सब निजवाचक।
वह कार्य कर रहा है।
बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। राम ने श्याम से कहा, मोहन को बुला, मोहन को बुला। अब देखिए यहां पर क्यों लगता है प्रश्न है, राम श्याम मोहन। अब इसको किसके रूप में सर्वनाम इस संज्ञा के साथ क्या नाम आते हैं, विशेषण के आते हैं सर्वनाम। देखिए मैंने यानी राम ने श्याम से तुमसे कहा, उसको बुला लो। देखिए मैंने यानी उत्तम पुरुष वक्ता, तुमसे यानी मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष श्रोता सुनने वाला, और उसको अन्य पुरुष यानी विषय, यह हमारा हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम बेशक जो प्रश्न के स्थान पर काम है, प्रश्न के स्थान पर काम आए या जिनसे कोई प्रश्न पूछा जाए, बेशक जो प्रश्न स्थान पर काम आए या जिनसे कोई प्रश्न पूछा जाए, क्या कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी निशानी है, प्रश्नवाचक की निशानी क्या है, इंटरोगेटिव साइड में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आएगा। जैसे क्या, मोहन विद्यालय गया, क्या राम ने गृह कार्य किया, ये दोनों क्या है प्रश्न है। और जहां प्रश्न पूछा जाए वो क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। आइए हम इसी चौथे भेद की बात करते हैं, संबंधवाचक। किसकी बात करते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम चौथा भेद। अब तक हमने तीन भेद बात कर ली है, पहला था विधिवाचक अपने लिए काम किया गया विधिवाचक, दूसरा पुरुषवाचक किसी बात को कहना सुनना और विषय के संबंध में बातचीत करना, पुरुषवाचक रहते हैं तीन भेद, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रश्न में बात की किसी भी बात का प्रश्न बनना। अब बात करते हैं संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम बेशक जो दो शब्दों के मध्य, हम ये भी कह सकते हैं दो सिंगल शब्दों के मध्य संबंध स्थापित करे या दो शब्दों के मध्य संबंध बताए, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक कहलाते हैं वे शब्द जो दो शब्दों के मध्य संबंध स्थापित करे या संबंध बताए, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जिसकी नाती
नियम बताए थे, जैसा देश वैसा भेष, भेष मतलब कपड़े, संबंध बताए थे जैसा हो वैसा, जो जितनी मेहनत करेगा उसे उतनी सफलता मिलेगी, जो उसे संबंध बताया गया था। अगला है निश्चयवाचक संबंध, जब कोई बात निश्चित रूप से कही जाए, निश्चित रूप से कही जाए, उसे निश्चयवाचक श्रवण नाम कहते हैं। मतलब बात निश्चित होती है, जैसे ये बात का मेरा है, निश्चित है, जैसे यह राम का घर है। अब ये घर किसका है? राम के, निश्चित है, श्री राम दशरथ के पुत्र थे। ये बात क्या है? निश्चित है। जो बात बिल्कुल निश्चित हो उसमें क्या होता है? निश्चयवाचक संबंध। और अंतिम संबंध है निश्चय वाचक सर्व। अब यहां बात निश्चित हो उसमें क्या होगा? है निश्चित शब्द कोई बात, जब कोई बात अनिश्चितता का बोध कराए, अनिश्चितता का बोध कराए, उसे कहते हैं। मतलब बात निश्चित ना हो से क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक संबंध कहते हैं। जैसे बाहर कोई आया है, अब कौन आया है हमें नहीं पता, अनिश्चित है। किसी ने तुम्हें बुलाया है, किसने बुलाया है?